Na 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 na. Why am I looking kala? You are kala. Still drive me crazy. Hey. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो अब हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरी वीडियो, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार, मसाले वाली और बहुत एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। और आज हमने डिसाइड कर लिया कि आज हम सारा दिन बाहर स्पेंड करेंगे, और हम बहुत ही जल्दी उठ के तैयार भी हो चुके हैं और हमने खाना भी खा लिया है। और वेदर में बताया गया है कि बारिश होने वाली है, और ओलंपिक में जाते जाते रह गया। जाते जाते क्यों रह गया? टिकट नहीं मिली जापान दी। तो मैंने जापान जाना था घूमने, मैं जाते जाते हैं। तू की सोच थी कि वो ले लेंगे, मैं प्लेयर बन गया। और दोस्तों, तो हमने आज हम जा रहे हैं पेरिस। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हस्बैंड सेड कि आफ्टर द पेरिस वी आर गोइंग फॉर स्विमिंग। या हस्बैंड गोना टेक मी टू द पेरिस। आई थिंक पेरिस ओंटारियो, नॉट पेरिस। हस्बैंड हमें पेरिस लेके जा रहे हैं, पर पेरिस जाने से पहले वो बहुत सारी ब्रेक्स ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। और हर जगह जे एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने विचार चेंज कर रहे हैं कि की मे बी मैं तो पेरिस लेके ना जाऊं। आई न्यू इट, तो दिल जे खोटा मे बी तो मैं लंदन लाऊं। लंदन ते कितनी बार गए हैं? मे बी तो विंडसर लाऊं। Windsor is too far. Maybe sanu car hi le jaunde. Lately life's been a fleeting breeze, long vacation. I can't seem to look away from screens, and the feelings just ain't ever tractioning. So long, so long. So I've been sailing without no navigations. It's itching at my inner sanity, and I see her face when I just wanna sleep. Good love. Run it back. Show me all the ways and crazy things I once adored. ओके, तो हम लोग आ गए एक बहुत ही प्यारे से कैफे में, जिसमें कितनी सारी किताबें हैं और डिलीशियस कॉफ़ी है। पता नहीं क्यों मेरा कॉफ़ी पीने के लिए मन नहीं है, और बहुत सारे पौधे भी पड़े हैं हर बुक्स के पास। वैसे मैं कॉफ़ी पीना चाहती नहीं हूँ, सो हम ऐसे ही देखने के लिए आ गए कि कैसा है। बहुत क्यूट सा है। तो यू वांट कॉफ़ी गाइस? Back of my mind, yeah, back of my mind. People are waiting for your views. Countries, nation wants to know. So far, so good. So get me coffee, let me taste. Then I'll give you like a my original review. So यहाँ इस कैफे में काफी सारी किताबें थी। मुझे लगा कि सिर्फ नॉन फिक्शन है, फिक्शन भी थी, और आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, और अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। इसकी प्राइस लिस्ट भी यहाँ पे लगी थी, काइंड सेकेंड हैंड स्टोर जैसे प्राइजेज ही थे इसके। और इसकी लोकेशन काइंड क्यूट थी, क्योंकि ये जो सिटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठ के आप उस साइड ये रिवर एरिया को भी देख सकते हैं। सो अगर ऐसा कैफ़े मेरे घर के पास हो, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादातर ऐसे ही कैफ़े में आपको मिलूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसे कैफ़े।
सो हिम्मत थोड़ी सी मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है कि पर ये वीडियो इतनी शेक करती है ना हिम्मत के हैंड में ये कैमरा, सो आई एम सॉरी. कॉफ़ी पीना चाहती नहीं थी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से फील हो रही है, पर हस्बैंड ने कहा कि लेनी है. अब वो बिना पिए मुझे दे के चले गए हैं और जब मैं कॉफ़ी लेके आई तो मुझे बोल रहे थे कि तू दो क्यों नहीं लेके आई, आपको एक भी नहीं मुक्की. एंड अब वो नीचे ये रिवर वाला एरिया है ना, तो हस्बैंड एंड हिम्मत नीचे चले गए हैं चिल करने के लिए. क्योंकि जब हम घर से निकले थे हमने हिम्मत को कहा था कि तुम्हें कहीं पानी में लेके जाएंगे, वो कह रहा है मुझे स्विमिंग करनी है, लाइक पानी में जाना है, बीच पर जाना है. हमने कहा कि वहाँ पर है, और अब वो कुछ भी करना नहीं चाहता. उसने कैफ़े में भी कुछ खाया नहीं पिया नहीं क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे स्विमिंग करनी है, लाइक पानी में जाना है. सो या थोड़ा पानी में पत्थर वत्थर फेंक के थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, तो हम शायद आगे उस साइड पे ऑपोजिट साइड पे कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे. सो या सो फार मज़ेदार लग रहा है मुझे तो, अच्छा है. यूजली हम सेम वही ओकविल, बर्लिंगटन और नाइग्रा फॉली रहते हैं. सो या डाउन डाउन चले जाते हैं. सो आज थोड़ा डिफरेंट तो लग रहा है, और उन दोनों को देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं. आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे क्योंकि मेरा कैमरा काफ़ी दूर है, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है यहाँ पे, और जितने भी मैंने मिला जुगाड़ मैंने वहाँ पे रख दिया है. इधर इस साइड पे रेस्टोरेंट है, काफ़ी लोग बैठे हैं वहाँ पर मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे वो भी अजीब लगता है. और फाउंड मैम उस साइड पर हूँ, वापस आ रहे हैं. हिम्मत एंड हस्बैंड की हुई लड़ाई केड़ी गल तो लड़न दे तुम दोनों जाने, एक्सप्लेन करो सारा मुद्दा सारी दुनिया नु एक्सप्लेन. डैडी तू पंच कीता मनु अपनी पुची ना पंच कीता की है साचा मिमी. गाइस असी पेरिस आए हैं, पेरिस कैन यू बिलीव, कुछ करो. मन्ने द रियल पेरिस इज वेरी गुड, दिस फेक पेरिस इज नॉट सो गुड. नो दिस पेरिस इज बैड, सुपर बैड. सो अब हमने प्लान बनाया है कि ये जो स्ट्रिप है ये डाउन टाउन पेरिस की, यहाँ पे वॉक करते हैं, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो अंदर जाएंगे. सो काइंड ऑफ टूरिस्ट फील कर रही हूँ मैं, और ऐसे स्ट्रिप पे हम वॉक करेंगे. हिम्मत यहाँ पे भी थोड़ा सा अनहैप्पी है क्योंकि उससे पानी में जाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी जाने वाला है ही नहीं. सो बेचारा ना इतना खुश नहीं है. मेरा तो बिल्कुल फ्रेंड नहीं बन रहा है इस समय, सिर्फ डैडी का ही हैंड होल्ड कर रहा है. जब मैंने उसे कहा कि थोड़ी सी मेरे साथ वीडियो बनाने में ही आ जाओ, तब भी बेचारा ना खुशी है. यू गाइस कैन सी, कह रहा कि मैं नहीं आना, मैं नहीं आना. बट लेटर ही सेड सॉरी. ओके, स्ट्रिप पे ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बुटीक है क्रिस्टल्स की. अगर आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ा है इंटरेस्ट, लाइक इतना डाई हार्ड फैन नहीं हूँ मैं क्रिस्टल्स की, पर कुछ कुछ मुझे इंटरेस्ट है. मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और इसमें जो खुशबू आती है ना, लाइक अगरबत्तियों की, सेज की, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है. बहुत सूदिंग एंड बहुत काम लगता है ये क्रिस्टल स्टोर्स का एनवायरनमेंट. और इस स्टोर में काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स ले रहे थे. मुझे कोई क्रिस्टल तो ख़रीदना नहीं था, पर मैंने सोचा कि यार विज़िट करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. क्रिस्टल्स हैं, मेडिटेशन करने के लिए स्टफ़ मिल सकता है, ये जो म्यूज़िक वाले बोल्स हैं वो भी हैं इनके पास, तरह तरह के स्टोन्स. काफ़ी मज़ेदार स्टोर है. आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है, प्लीज़ मुझे कमेंट बार में ज़रूर से बताना अगर आपको है. कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड पार्क में गए थे तो उनको एक क्रिस्टल मिल गया अचानक से, और जब मैंने सर्च की वो क्रिस्टल कौन सा था, वो लॉर्ड शिवा की थर्ड आई क्रिस्टल है. मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा कि वाह, पार्क में कहाँ से क्रिस्टल मिलते हैं.
और राइट दोस्तों, हमें ना एक औरत मिली हमसे बातचीत करने वाली थी, लाइक थोड़ी अच्छी एज की थी, तो ना वो हमें कहती कि आई लव यू पीपल, माई हस्बैंड सर आई लव यू डू. पहली बार तो मुझे कहा है किसी ने. वो एक्चुअली पता है क्यों कहना चाहती थी कि सी रेसिस्ट नहीं है, मैंने तो दिलों का ना प्यार है. तो हस्बैंड ने लव यू डू, लव यू डू, लव यू डू. मौलियां अखा च अपने लिए प्यार रख रहे हैं. ओके, सो हमने लिया है थोड़ा सा सामान वॉलमार्ट से, क्योंकि हमने सोचा कि घर जाके कुछ कुक करके खाते हैं. तो या मैंने आज चाय पत्ती भी ली है बाघ बकरी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इसका टेस्ट अच्छा है, तो देखते हैं ट्राई. ओके, सो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं सैल्मन के लिए, क्योंकि पति डाइटिंग पे हैं और मैं भी. सो हम खाएंगे नन्ही सी सैल्मन स्वीट पोटैटोज के साथ. सो ये है दही और इसे गार्लिक डाला है बस, बाकी हल्की फुल्की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, लाइम. ये जो सैल्मन है ना अटलांटिक वाइल्ड कॉट, ये फ्रोजन ली थी हमने, तो इसे मैंने थोड़ा सा पानी में डिप करके रख दिया. बाकी डैडी कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन, ही इज एक्सपर्ट. ऑलराइट, सो सारी चीजें हो चुकी हैं एंड सैल्मन कुछ इस तरह की लग रही है मैरिनेशन के बाद. एंड ग्रोसरी को भी मैंने ऑलमोस्ट सेट कर लिया, थोड़ा क्लीन करूंगी मैं. और ये लेफ्ट ओवर थोड़े से राइस है मेरे पास, इसको मैं तड़का लगा के फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सैल्मन खाने के लिए मन नहीं है. ओके, सो मेरे पास थोड़ी सी कैबेज भी है, तो कैबेज एंड पेपर्स को डाल के थोड़े से फ्राइड राइस बनाते हैं. वैसे राइस है बहुत कम. तो जल्दी से चॉपिंग का काम शुरू करते हैं. वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डालने वाली नहीं हूँ, ब्रोकली डालने के लिए मेरा मन था, पर ब्रोकली फ्रिज में से मिसिंग है, लाइक नहीं है. सो हमें थोड़ा बहुत सब्जियाँ, हस्बैंड का ये बारबेक्यू का सीन देख लें, खूबसूरत लग रहा है उनको. आज हम काफ़ी जगह घूम के आए, हम गए थे पेरिस. हस्बैंड ने कहा कि मैं सस्ते वाला पेरिस लेके जाता हूँ आपको. वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर वो स्ट्रिप थी, नॉट बैड थी, रिवर थी, ठीक है, मज़ा आया. तो या उसके बाद हम गए ब्रैंडफोर्ड, क्योंकि एवं टाइम पास करने के लिए, देखने के लिए तो वहाँ भी कुछ भी नहीं है. पर 2013 में मेरे हस्बैंड ने एक जॉब की थी वहाँ पे, 2013 में एक हफ्ते के लिए. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ओवरऑल प्लेस दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने जॉब की, पर इनको कुछ याद नहीं है कि कितने जॉब की, कितनी सारी जगह हमें दिखाई हैं, पर वो बिल्डिंग नहीं मिली हमें. पर जहाँ पे ये रहे एक हफ्ता रहे ही बहुत, हाँ हफ्ता रहे थे, वो इनको थोड़ा सा आइडिया था. और पर जब ये वहाँ पे रहे थे तब स्नो थी, 2013 की फरवरी में बहुत बुरी स्नो पड़ी थी, उस उबलते तूफान उत्थे रहे ही स्ट्रॉम्स च. सो इन्हों का दिल टुट गया ही ब्रैंडफोर्ड तो, है ना. और वो काफ़ी बोरिंग सा प्लेस है, करने के लिए कुछ नहीं है. सो उत्थे एक वाइल्ड विंग सी, बस उत्थे बेचारे पति ने टाइम पास किया थोड़ा सा. आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी है अजीब किस्म की. सो छोटा सा पैन है क्योंकि थोड़े से राइस हैं, जल्दी से तड़का लगा लेते हैं, कोई ज़्यादा छंगड़ मंगड़ नहीं करेंगे हम. बेसिक्स का लगा लेंगे क्योंकि मेरा फिश खाने मन नहीं, वैसे तो मैं नहीं खाना चाहती थी आज. वैसे मैंने ज़्यादा नहीं खाया, सिर्फ हाफ रोटी खाई है सुबह से एंड एक ड्रिंक पी थी, वो भी हमने शेयर की मैंने और हस्बैंड ने, टिम हॉर्टन्स की. आई डोंट नो उसमें कितनी कैलोरीज होगी, ठंडी पीच वाली ड्रिंक, इसलिए मैं सोचा थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना बहुत भूख लग जाती है लाइक सोते समय. अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सा तड़का लगा लूँगी मेरे राइस को, फिर मैं उसका मज़ा लूँगी फूड का. ऑलराइट दोस्तों, तो ये है फ्राइड राइस. एक्चुअली मैंने येलो पेपर डाली है, तो ये ग्रीन ग्रीन कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैंने इसे गार्निश कर दिया है सेसमे सीड के साथ. और ये है शेफ पति की सैल्मन, जिसको उन्होंने तंदूरी मैरिनेशन में किया है लाइम के साथ, और खूब सारी अच्छी गुड क्वालिटी की सब्जियां.
ये है पर्पल स्वीट पोटैटो, अनियन है, टमेटो है, एंड छलियाँ हैं, और ये हम सारा शेयर करके खाने वाले हैं। सो यस, दिस इज़ आवर डिनर। और मेरे हस्बैंड ने राइस टेस्ट करके बताया कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। एक्चुअली मैं ना चिली सॉस ऐड की हूँ। पर अच्छे बने, यार स्पाइसी। Why am I looking kala? You are kala. What do you mean? नाटे तुसी इसलिए लग रहे हो क्योंकि आप अच्छे टेबल पे बैठे हो, जड़ा कम्फी है, मैं अनकंफर्टेबल से बैठी हूं। थोड़ी शक्ल गंदी है, मीठी नहीं है, पर फ्लेवर बहुत है। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी तरह आज का व्लॉग फिनिश होता है। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप GTA के अराउंड घर लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर होगी। आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेजेस में बातचीत भी कर सकते हैं, और जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। एंड यस, इसी तरह हमारा दिन फिनिश होता है। हस्बैंड आपसे कोई विचार लेना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, क्या आप इंजॉय करते हैं, प्लीज बताना कमेंट बार में। आज पहली बार पति ने कोई क्वेश्चन पूछा। यार वैसे ये पकाई मारती रहती है, किसी ने कहा कि हाँ जी भाजी पकाई मारती है, और एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी दोनों वैक्सीन हो चुकी हैं। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया तब आपको पता होगा कि जब मैं दूसरी वैक्सीन लगवाई थी तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो इस वजह से क्योंकि पहले मैंने जो लगवाई थी वो फाइजर थी, और जब हम दूसरी डोज लगवाने के लिए गए तो फाइजर मुक गई थी, लाइक मेरे पे ही खत्म हुई वो। मेरे से अगले बंदे को फाइजर लगी पर मुझे नहीं लगी। ये लाइन में थे, मैंने सोचा कि मैं बाद में लाइन में लगूंगी, पर हमारे मिडल में एक बंदा आ गया। सो इनको और उस बंदे को फाइजर लगी, मैनू नहीं लगी क्योंकि मुक गई थी। अगर मैं इनके पीछे खड़ी रहती तो मुझे भी फाइजर लग गई थी। तो फिर मडरना थी उनके पास, उन्होंने कहा कि लगवानी है या नहीं। मैं डर गई, मैं कहा सलाह कर दे पति के साथ। मैं पति ने कहा कि कर लगावा या ना, पति साइड के सोके गो फॉर इट। तो मैंने लगवा ली। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे बहुत बहुत मेरा बदन टूटा इतना बुरी तरह कि मैनू 1 मंथ का टाइफाइड हो ऐसा मेरा बदन टूटा कि मैं वॉक भी नहीं करके जा पा रही थी वॉशरूम तक। बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी और टेम्परेचर 101 102। शाम होते होते मेरा बुखार, वो बॉडी का टूटा सारा कुछ गुम गया, लाइक सिर्फ 15 घंटे के लिए रहा, उसके बाद बिल्कुल फिनिश हो गया। मैं बिल्कुल ऐसे फ्रेश एंड नॉर्मल हो गई, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाऊँ। सो यस, आपको लगवानी चाहिए, जेडी भी मिल रही है लगवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप सेफ हो जाते हैं। बीमार होने से अच्छा है कि वैक्सीन। सो यार ये था वैक्सीन का ज्ञान। अगर आपने ऑलरेडी वैक्सीनेशन लगवा ली है तो कमेंट बार में ये भी बताना, और मैं पकाई मारती हूँ या नहीं ये भी बताना। और मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी। पति ने वरना रिमोट से बिजी रहना है, वीडियो फिनिश कर लिए नहीं, पति ने रहना दो हाथ जोड़ के लव दी रही की। ओके, हस्बैंड की प्रॉब्लम पता क्या है कि हस्बैंड प्लेट रख के बैठे रहते, अदा अदा चीजा लभी जाते कुछ नहीं मिलता, फिर लाते ओही बंदे जिन्हू मेरा फेवरेट बंदा ठोकता है लाते ओही है, एंड ऑफ द डे उसको ही लगाएंगे। नहीं, मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनीथिंग, थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय।